बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ वजीराबाद में नए बनने वाले पार्क, जिसका नाम चौधरी हामद नासिर चट्ठा साहब के नाम से रखा गया है। इस टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो क्यादत है, शबीर अकरम चीमा साहब, हालत मुगल साहब, मैडम परवीन शेख साहिबा, चौधरी वकार अजम हैप्पी साहब, और इसके अलावा एसी साहब ने भी विजिट किया, अकील खोकर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। हम शबीर अकरम चीमा साहब से जानते हैं कि ये पार्क कब तक कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर क्या क्या यहाँ पर जो मनसूबे मजीद कायम होंगे। चीमा साहब, क्या कीजिए? सबसे पहले तो मैं तमाम वजीराबाद को मुबारकबाद पेश करता हूँ। लेजेंड हैं जनाब हामिद नासिर चट्ठा साहब, उनके नाम पर ये पार्क मंसूब किया गया है, और मैं स्पेशली अपने असिस्टेंट कमिश्नर जनाब वकार हुसैन साहब का और सीओ साहब का, शराज मंसूर साहब का और जनाब अकील साहब का, इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये नाम हामिद नासिर चट्ठा साहब के नाम पर ये पार्क मंसूब किया, और आम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन लोगों ने ये समझा कि हामिद नासिर चट्ठा साहब जो हमारी तहसील वजीराबाद का एक फखर है, ना सिर्फ हमारी तहसील वजीराबाद के डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला और पाकिस्तान का एक फखर है। और मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि आज हमने एक अच्छी चीज़ की एक अच्छी बुनियाद रखी है, ना कि सड़कों और गलियों के नाम पर उनका नाम मंसूब किया, बल्कि एक अच्छी एनवायरनमेंट के लिए पार्क बनाया है कि जिससे हमारे ये इलाका निज़ामाबाद, अलाहाबाद और वजीराबाद के लोग, एक तो जॉगिंग ट्रैक बनाया जाएगा इसमें बेहतरीन, और एक बेहतरीन पार्क उनको मुहैया किया जाएगा कि यहाँ पर फैमिली और दूसरे दोस्त अहबाब यहाँ पर आकर आराम से बैठ के आपस में गपशप लगाएं, और पार्क का अच्छा तरीके से एक अच्छा माहौल वजीराबाद की आवाम को इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द मुहैया करेंगे। इंशाल्लाह ताला विदन एक माह के अंदर अंदर अल्लाह के फजल से ये पार्क लोगों के लिए ओपन कर देंगे। शिकवा जुल्म से शब से तो कहीं बेहतर था अपने हिस्सा की कोई क्षमा चलाते जाए। मैं एडमिनिस्ट्रेटर म्यूनसिपल कमेटी वकार हुसैन साहब, अपने चीफ ऑफिसर मियाँ शराज हसन साहब और अपने MOI अकील अहमद खोकर साहब का इंतहाई शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस पार्क को एक ऐसी शख्सियत के नाम से मंसूब किया है जिन्होंने सिटी रोड पर दिल के अस्पताल की उन्होंने बुनियाद रखी, गर्ल्स कॉलेज उन्होंने बुनियाद रखी, जिला कौंसिल भी मौजूद है हमारे साथ, मैडम परवीन शेख साहबा जी। मैडम साहब, आप किस तरह इजहार करें? उनका नाम हमेशा अदब एहतराम से लिया जाता रहा है और लिया जाता रहेगा। तो मैं समझती हूँ कि हमारा ये फर्ज बनता था कि ऐसे किरदारों को जिनका दामन बेदाग हो, ऐसी चादर जिस पर कोई दाग ना हो, हम इस बात को अल्लाह के फजल से अपने खुदा से दुआ करते हैं। जिस तरह मेरे लीडर का नाम बेदाग है, इसी तरह इस बात को भी MOI साहब भी हमारे साथ मौजूद है, जनाब अकील खोकर साहब, किसी भी कारण से आज भी है, बड़ी काम से रहती है इनकी वजीराबाद में। अकील खोकर साहब, कैसे देख रहे हैं आप? जब से यहाँ आया था मुझे ये भी ख्वाहिश थी कि हमारे शहर की ऐसी शख्सियत में दूसरे है हामिद नासिर चट्ठा साहब का नाम पर कोई ऐसा अच्छे तरीके से अलहमदिल्ला साहब ने, खालिद साहब ने, मैडम परवीन साहब ने, पुराने मेहमान हैं, उन्होंने पूरा अपने नानसी तौर पर भी और इसकी मोहब्बत के लिए भी इसका पार्क को कम्प्लीट करने के लिए हर संकल्प था, और जम जल्दी है इसको जी। आपने सुना हमारे साथ वकार अजम हैप्पी साहब भी मौजूद है जो कि तहसील यूथ विंग के प्रेसिडेंट है। हैप्पी साहब, आप नौजवानों को भी लीड करते हैं, तो ये मनसूबा को कैसे देख रहे हैं हमारा चट्ठा साहब पार्क में? सबसे पहले तो हैप्पी साहब आपका बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे आए और हमारे इस बड़े प्रोजेक्ट को, मेगा प्रोजेक्ट को आपने कवरी दी। मैं इंतहाई मशहूर हूँ मीरगम चीमा साहब, आलम मुगल साहब, अकील खोकर साहब हमारे MOI हैं जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हमारे यहाँ पे लीडर हैं, शिराज साहब हमारे जो हमारे जो CEO हैं, वकार हुसैन साहब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर। मैं शुक्रगुजार हूँ शबीर अकरम चीमा का, वकार हुसैन एसी साहब का, जिन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा कावशों से हामिद नासिर चट्ठा पार्क बनाया, और ये पार्क वजीराबाद का सबसे बड़ा पार्क है। इसमें हमारे नौजवान वाक के लिए, हमारी माएँ बहनें वाक के लिए आएंगी, और ये पार्क को खूबसूरत बनाने में
और शबीर अकरम चीमा ने जिस तरह ये काम किया, इंशाल्लाह वजीराबाद में इस टाइप के बहुत सारे पार्क बनेंगे, ग्राउंडें बनेंगी और वजीराबाद तरक्की की तरफ जाएगी।